हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का चैप्टर नंबर है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज नंबर 2.6 एंड द क्वेश्चन नंबर इज 4। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। टोटल क्वेश्चन हम रीड करेंगे, उसके बाद में हम वन बाय वन सेंटेंस रीड करके ट्राई करेंगे कि किस तरह से आपको गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है जो आपकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन वंस आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। व्हाट आर द मेथड यू वांट टू यूज, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विवेक इज 5 ईयर्स ओल्डर देन किशोर। The sum of the multiplicative inverse of their ages is 1/6. Find their ages. तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू कंसिडर द एज, विवेक का जो एज है एंड किशोर का जो एज है उसे आपको कंसिडर करना है। वेरिएबल आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एक्स वाई ए बी सी, जो आपको यूज करना है वो यूज करना है, कर सकते हो। तो देखिए, विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किसका एज ज़्यादा है वो देखिए। विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर, इसका मीनिंग है कि विवेक का एज ज़्यादा है देन किशोर से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो कि जैसे कि मैंने लिख लिया है, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर हमने कंसिडर किया है एक्स, और किशोर से 5 ईयर्स ओल्डर कौन है, विवेक। तो विवेक का जो एज है हमने कंसिडर किया है x प्लस 5 ईयर्स। अब कंडीशन क्या दी है, देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ देयर एजेस, द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो है 1/6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स जो भी वैल्यूज है उसको आपको क्या लिखना है, 1/, सपोज एक वैल्यू है y, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/y। अगर वैल्यू है 7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/7। अगर एक वैल्यू है 10, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/10। जो भी आपके पास वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स आपको उसे क्या करना है, 1/ लिखना है। तो सबसे पहले हमने जो एज कंसिडर किए है उसका पहले तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे, देन हम क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, जो फर्स्ट वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेटिव क्या है, 1/x, एंड जो सेकेंड वैल्यू जो हमने कंसिडर की है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/x + 5। तो ये है हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखिए, फ्रॉम यहाँ पे हम लिखेंगे, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया है, सम करना है। जो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है फर्स्ट और ये सेकेंड, इसका अगर आप सम करते हो तो वो होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए, 1/x + 1/x + 5। इसका सम मीन्स एडिशन लेना है, इसका सम आएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन इज 1/6। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये आपकी इक्वेशन है। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि आपको क्या मिल जाए, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे दो टर्म्स है जो एडिशन में है, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की करेंगे, 1 × x + 5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया x + 5, दोनों के बीच में प्लस है तो हमने प्लस एज इट इज लिखा है, 1 × x, ये हो जाएगा x। और डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लिकेशन है एज इट इज डिनोमिनेटर में ही करना है, जो हमने लिख लिया है, अभी तक हमने कर नहीं लिया है, एज इट इज लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन एज इट इज इक्वल टू 1/6। तो चलिए देखते हैं इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना है। x इसका जो ब्रैकेट है वो निकाल देंगे, ठीक है। अगर आप इसका ब्रैकेट रिमूव करते हो, देखिए, x + 5 + x, तो यहाँ पे जो x की जो टर्म्स है वो टू टर्म्स है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है,
इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों को आपको ऐड करना है. x प्लस एक्स इज 2x प्लस 5 एज इट इज़ है, और x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई बाय x, x मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इट इज़ इक्वल टू 1/6. तो इस तरह से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया है. देखिए देर आर टू टर्म्स इक्वल टू के दोनों साइड में भी दो टर्म्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. तो देखिए कैसे किस तरह से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है. 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसे हम लिखेंगे 6, ये जो सिंगल टर्म है, और ब्रैकेट में लिखेंगे जो डबल टर्म है, इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x. अभी ब्रैकेट के बाहर सिंगल टर्म है, उससे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12x प्लस 6 इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5. इसी तरह से इसे भी सॉल्व कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एंड 1 से सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है 5x. तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 टू जा 12x प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5x. अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज लिखेंगे और ये जो टर्म है उसको अदर साइड शिफ्ट करेंगे. ये जो टर्म है इसे साइन जो है वो प्लस है, इसको अगर आप शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 12x. ये जो टर्म है वो है प्लस 30, अगर इसे आप शिफ्ट करते हो देन इट विल बी माइनस 30, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0. तो देखिए हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है एक्स स्क्वायर. तो चलिए एडिशन सब्सट्रैक्शन भी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो प्लस 5 माइनस 12, प्लस माइनस होता है माइनस, और इसका आंसर हो जाएगा प्लस 12 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करते हो देन आंसर इज 7x, कोएफिशिएंट उसका x है. देन लास्ट टर्म इज 30 इज इक्वल टू 0. तो यही आपकी फॉर्म हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसे आपको सॉल्व करना है. आप मेथड कौन सी भी ले सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ले लो या फिर फॉर्मूला मेथड ले लो. हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो फैक्टर फाइंड करने के लिए प्रोसीजर तो वही है, क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज लेना है माइनस 30, इसको 3 एरोज बनाना है. तो यहाँ पे इसका साइन लेना, यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे आप सब्ट्रैक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, तो ये जो वैल्यू है वो है माइनस 7. तो चलिए देखते हैं इसको आपको किस तरह से रीड करना है. तो रीड करने के लिए माइनस 30 के ऐसे दो फैक्टर्स करना है जिसका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए माइनस 7. तो देखिए 30 का 0 है, तो हम ट्राई करेंगे 10 3 जा, देखिए 10 3 जा 30, और दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए, 10 माइनस 3 इज 7, बट सब्ट्रैक्शन है 7. बट हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, माइनस 7 चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से जो बच्चे हैं यहाँ पे ही थोड़ा सा क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम कर देते हैं, इनको समझ में नहीं आता है. तो क्या करना है, आपको आंसर माइनस 7 चाहिए. जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो 7 आ जाता है. तो आपको यही एक ही स्टेप फॉलो करना है. जो ग्रेट नंबर है फैक्टर, तो आपको आपके वही रहेंगे. फैक्टर क्या है आपके, आपके फैक्टर है 10 एंड 3. बट आपको क्या करना है, साइन ऑफ ग्रेट नंबर लेना है. साइन ग्रेट नंबर कौन सा है, 10, वहाँ पे आपको माइनस लिखना है. तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस. तो इस तरह से प्लस माइनस माइनस आंसर है 7, लेकिन आंसर में आ जाएगा साइन ऑफ अ ग्रेट नंबर माइनस 7. तो इस तरह से हमने इसका फैक्टर फाइंड कर लिया है. तो चलिए देखते हैं इसे लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर फर्स्ट फैक्टर है माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 एज इट इज. नाउ यू हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ 2 2 नंबर्स एंड आपको कॉमन लेना है. ये दोनों में से कॉमन है x, तो ब्रैकेट में रह जाएगा यहाँ का x माइनस 10.
सो प्लस ये दोनों में देखिए इसके भी फैक्टर्स कर लो, 3 टेंजा, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगी टर्म 3 एंड 3, तो यहाँ पे लेंगे हम 3, यहाँ पे रह गया है एक्स माइनस, यहाँ पे रिमेनिंग है 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 दोनों भी ब्रैकेट में सेम है, सो एक्स माइनस 10 हम कॉमन लेंगे एंड रिमेनिंग जो इक्वेशन में है यहाँ पे एक्स प्लस 3 ये आपको सेकेंड ब्रैकेट में लिखना है, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके हो गए रूट। तो इसको आपको क्या करना है, अभी ये जो 0 है वो बोथ ब्रैकेट को सेपरेट करना है, सो एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 0, ये माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10, सो एक्स की जो वैल्यू है वो है 10 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 3, सो एक्स की जो वैल्यू है वो है माइनस 3। नाउ यू हैव टू मूव द टूवर्ड्स द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज एक्स, तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिली है, सो एज तो कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज इज नेवर निगेटिव, निगेटिव, तो इसे हम डिस्कार्ड करेंगे, स्किप करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू है एज है किसका हमने कंसिडर किया था, यहाँ पे देखिए किशोर का, तो नीचे हम आंसर में लिखेंगे देयरफॉर किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ अ किशोर, ओके, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे, एक्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 10 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड है विवेक, वो है वैल्यू एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 इट इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा विवेक का एज 15 ईयर्स। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो आशा है कि आपको जो ये प्रॉब्लम है वो समझ में आया है, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।